हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट पर्स के बारे में। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ पर्स मंगाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ जिनका रिव्यू शेयर करूंगी, बताऊंगी कि उनकी ब्रांड कौन सी है, उनका कपड़ा मतलब उनकी क्वालिटी कैसी है और उनका प्राइस वगैरह क्या है और उनकी पॉकेट वगैरह कितनी है, सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कुछ पर्स मंगाए हैं, ये वो पर्स हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। उन सब का मैं रिव्यू एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पर्स की। ये पर्स है इस टाइप का, आप देख सकते हैं। फ्रंट से इस टाइप का है और बैक से इस टाइप का है। हैंडल इस टाइप की है इसके अंदर, और इसके अंदर एक वो आती है, इस टाइप की बेल्ट आती है जिससे आप इसको यहाँ पे लगा के इसको ऐसे लॉन्ग भी कर सकते हैं। इस टाइप से इसको बेल्ट लेके आप लॉन्ग टाइप में लॉन्ग करके ऐसे भी हैंग कर सकते हैं, और इस टाइप से अगर आपको पकड़ना है तो इस टाइप के हैंडल से भी आप पकड़ सकते हैं। और ये सारे पर्स जो है इसका प्राइसिंग जो भी होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ऊपर आप देख लेना, क्योंकि वैसे मेरे को ये इस टाइप का है। और अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ सिंगल पॉकेट में आता है इस टाइप की। ये इसकी चेन है, ये इस टाइप से बंद हो जाती है। आप अगर इसको मंगाना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। सेकेंड पर्स मेरे पास है ये, आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा जो पर्स होता है जिस टाइप से आप हैंग करते हैं उस टाइप से है, तो उस टाइप का है ये। थोड़ा सा इतना बड़ा पर्स है। इसकी जो बेल्ट है ये बहुत प्यारी है, इसमें यहाँ पे चेन लगी हुई है इस टाइप से। इसका जो प्राइस है इसका, ये भी आज ही ब्रांड का है, आईजा ब्रांड का है। और इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखा हुआ है, बस इसके अंदर ये टैग लगा हुआ है। उसके बाद एक पॉकेट इसके पीछे आती है इस टाइप से, एक पॉकेट ये है इसके अंदर। और इसका कपड़ा भी ज़्यादातर का सेम है, इसका थोड़ा सॉफ्ट है, लेदर टाइप में है। बाकी इसके अंदर जो पॉकेट आती है वो ये है, इस टाइप से अंदर से आता है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। और ये टू बैग आते हैं इसके अंदर एक बैग और आता है इस टाइप से, इसके अंदर एक बैग और आता है, और ये इस टाइप से, ये इसके साथ एक बड़ा बैग मिल जाता है, ये इसका साथ एक छोटा बैग मिल जाता है। इसको आप इसके अंदर भी रख के कैरी कर सकते हैं, और इस टाइप की बैट लगा के आप इसको साइड पर्स के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप से इसकी बैट लगा लेंगे आप और इस टाइप से, और फिर इसको साइड में हैंग करके आप यूज कर सकते हैं। तो एक साथ इसमें दो पर्स आपको मिल जाते हैं, या फिर आप इसके अंदर रख के इसको सामान रख के इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा पर्स है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो शायद ये मुझे 450 के अराउंड था, लेकिन मुझे डील में ये 400 के समथिंग मिला है। और दूसरा इस पे उस टाइम कार्ड से कुछ पेमेंट करने पे लेस था, तो उसके थ्रू मुझे 400 का पड़ा है। और इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, ये भी अच्छा पर्स है। एंड थर्ड तीसरा पर्स है ये, आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा क्यूट सा पर्स है और लॉन्ग बेल्ट के साथ आता है। इसमें शॉर्ट वाली बेल्ट नहीं आती है, इसमें लॉन्ग बेल्ट ही आती है, लेकिन इसकी बेल्ट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये साइड से टांगने वाला पर्स है जो लंबी बेल्ट के साथ आता है, इसको थोड़ा बहुत छोटा करना है तो आप कर सकते हैं। ये क्रीम कलर में और रेड कलर में है, बहुत ही प्यारा पर्स है। और इस टाइप से ये आगे से खोला जाता है, ऐसे ये लॉक सिस्टम है जैसे बेल्ट में होता है उस टाइप का लॉक सिस्टम इसके साथ है। इस टाइप से आप इसको लॉक कर सकते हैं, और जब ओपन करना हो तो इस टाइप से आप ओपन कर सकते हैं इस टाइप से। और ये इसकी पॉकेट है,
और ये इस टाइप से दो पॉकेट के साथ आता है, एक इसमें बैक साइड में पॉकेट है, इस टाइप से आप बाहर कुछ रख सकते हैं, और एक ये सिंगल पॉकेट अंदर है इस टाइप। ये भी मुझे अंडर 300 पड़ा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा पर्स है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से।